आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन आपको बताता है कि आपके गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्वड है, इसे बोलेंगे हम कंसंट्रेशन। नाइन्थ और टेंथ में दो टर्म्स आई हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, या फिर अगर मैं हिंदी में बात करूं तनु और सांद्र। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट हो लेस, कम, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अमाउंट कैसी हो, ज़्यादा हो सॉल्यूट की। अब जो डिफरेंट मेथड्स हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, वो हमने करने हैं। सबसे पहले है आपकी मोलैरिटी, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल एम से। तो मोलैरिटी है क्या? इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स, यहीं से डेफिनेशन बनेगी। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसमें क्या दिया होगा आपको, अमाउंट दी होगी सॉल्वेंट की, ये तुमने चीज़ ध्यान रखनी है। अगर किसी क्वेश्चन में मोलैरिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर आपके नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्वड हैं किसमें, सॉल्वेंट में। मान लो किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 मोलल दे रखी है, तो 1 मोलल का मतलब उस सब्सटेंस का 1 मोल डिसॉल्वड है कितने में, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मान लो आपको एक सॉल्यूशन बनाना है 1 मोलल NaOH, तो NaOH का 1 मोल कितने के बराबर होगा, 40 ग्राम के बराबर। कितने के बराबर होगा, 40 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब 40 ग्राम आपने डिसोल्व कर रखा कितने में, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको एक्सपेंड करा, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ मोल्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये है तरीका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, अपॉन m1 है ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, और इनटू 1000। अगर आप नीचे अमाउंट किलोग्राम में लेते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप ग्राम में लेते हो तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए कि 49 ग्राम H2SO4 डिसॉल्वड है 500 ग्राम ऑफ वाटर, ये सॉल्वेंट हो गया आपको, आपको मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी के लिए क्या निकालने पड़ेंगे आपको, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये तरीका है कि कितनी सब्सटेंस की अमाउंट दे रखी है अपॉन उसका मोलर मास। तो देखो जो H2SO4 है उसकी अमाउंट दे रखी है कितने ग्राम, 49 ग्राम, ये लिख दिया 49 अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास। H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 98। ठीक है, देखो हाइड्रोजन का 2+, सल्फर का 32 और 2 कितना हो गया 34, और ऑक्सीजन का 16, 4 हैं तो 16 चौको 64। ठीक है, 64+32+2 ये हो गया आपका 98, ये आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्वेंट की अमाउंट ग्राम में, 500 × 1000। ठीक है, आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 मोलल, 1 मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी यूनिट होगी मोल पर किलोग्राम। ओके, उससे जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका मोलैरिटी, सेम है बिल्कुल। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल एम से। ओके, तो ये क्या होंगे आपके, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन आ जाएगा, मोलैरिटी में सॉल्वेंट आएगा और मोलैरिटी में सॉल्यूशन आएगा। ओके, यदि आप इस सॉल्यूशन को ml में लेते हो तो इसको 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यूनिट है इसकी मोल पर लीटर। ठीक है,
ये ऊपर वाला जो इसमें इसकी यूनिट मोल्स होंगी और जो नीचे है उसकी यूनिट क्या होगी, लीटर। तो मोल पर लीटर। इसका भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम लेता हूँ मैं, वही वाला जो हमने मोलैलिटी के केस में लिया था। तो आप इसमें देखिए, उसी तरह से 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व्ड टू फॉर्म 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मोलैलिटी में सॉल्वेंट था और यहाँ क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ये मतलब है, ये आपका सॉल्यूट है और जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूँगा ना, तो दोनों का वॉल्यूम कितना आना चाहिए, 500 ml, ये होता सॉल्यूशन। ओके, अब डेफिनेशन लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स उसी तरीके से कितनी है सब्सटेंस की अमाउंट, 49 ग्राम अपॉन 98 उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन 500 इंटू 1000, तो ये आ गया आपका 1 मोलर। यहाँ कैपिटल M है तो यहाँ पर सॉल्यूशन बनेगा आपका 1 मोलर, ठीक है। अगर आप 49 ग्राम 49 ग्राम H2SO4 को डिसॉल्व कर दो 500 ml ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वो कितना सॉल्यूशन बनेगा आपका, 1 मोलर। ओके, और इसकी जो यूनिट है वो आपकी है मोल पर लीटर। ओके, इसके बाद एक और मेथड है एक्सप्रेस करने का कंसंट्रेशन को, वो है पार्ट्स पर मिलियन, PPM। तो ये मेथड कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो आपका, जो सॉल्यूट है उसकी अमाउंट कैसी है, बहुत ही कम है। तो ये फॉर्मूला है PPM, पार्ट्स पर मिलियन, MA, मास ऑफ डेट सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट अपॉन MS, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6। देखो, परसेंट में आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो और मिलियन में 10^6 से। मान लो आपके पास NaOH है, ओके, इसकी बहुत ही कम अमाउंट डिसॉल्व्ड है, मान लो 2 मिलीग्राम, ठीक है, और 1 किलोग्राम आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा मेथड यूज़ होगा एक्सप्रेस करने का, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, मास रखो सब्सटेंस की, सॉल्यूशन की मास रखो और इनटू 10^6 से मल्टीप्लाई करो। इससे जो नेक्स्ट आपका वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हो आप N से, ठीक है। तो इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी और मोलैरिटी में हमने करे थे नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है, मोल्स निकालने के लिए हमें मोलर मास से डिवाइड करना पड़ता है और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 1000 से। अब हम अलग अलग सब्सटेंसेस का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई एलिमेंट का आयन डिसॉल्व्ड है सॉल्यूशन में, मान लो जैसे Al3 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन में, ठीक है, आपको निकालना है इसका, नॉर्मेलिटी निकालनी है इसकी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। तो एलिमेंट, वैसे आयन का अलग होता है, एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा,
एलिमेंट का एटॉमिक मास और बटे उसकी वैलेंसी। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वह 27 और वैलेंसी है इसकी 3। इसके बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास कितना है आपका 9 ग्राम। उसी तरह से अगर मैं किसी एसिड का निकालना चाहूँ, एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, एसिड का मॉलिकुलर मास अपॉन उसकी बेसिसिटी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेस्ड, जो हाइड्रोजन जो एसिड के पास एच आयन्स प्रेजेंट हैं उनको कितने दूसरे आयन्स क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे H2SO4 है, इसका जो इक्विवेलेंट मास है, इसका मोलर मास 98 अपॉन इसकी बेसिसिटी। देखो कितने एच प्रेजेंट हैं इसके पास, 2, तो इसको 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा आपका 49 ग्राम। तो एसिड H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना है, 49 ग्राम। देखो जैसे वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पहले वाला, 49 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व्ड है टू फॉर्म 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपको निकालनी है इसकी नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में क्या लोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन इट्स इक्विवेलेंट मास। अभी हमने इक्विवेलेंट मास निकाला था 49 अपॉन 500 इंटू 1000। ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन 2N, 2N का मतलब 2 नॉर्मल। ओके, अब रिलेशन क्या है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में। अभी हमने पीछे H2SO4 की मोलैरिटी निकाली थी, वो 1 मोलर निकली थी। ठीक है, और नॉर्मेलिटी कितनी निकली, उतना ही डिसॉल्व करा था हमने, 2 नॉर्मल। 49 ग्राम ही डिसॉल्व करा था ना हमने 500 ml में, 500 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखो ये मोलैरिटी है, ये नॉर्मेलिटी है। तो नॉर्मेलिटी यहाँ पर देखो मोलैरिटी की डबल आ रही है। तो यहाँ पर एक रिलेशन आया है, वो क्या आया है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी गुना बेसिसिटी। किसकी बेसिसिटी, एसिड की। ठीक है, तो वहाँ पर H2SO4 में बेसिसिटी कितनी थी, 2 थी। ठीक है, और मोलैरिटी कितनी निकली थी सॉल्यूशन की, 1 निकली थी। तो बताओ कितना नॉर्मल सॉल्यूशन बना आपका, 2N, 2 नॉर्मल सॉल्यूशन बना आपका। ठीक है, तो ये रिलेशन है, ये ध्यान रखना आपने। उस तरह से अगर बेस की बात करें हम, बेस में क्या होगा आपका, N इज इक्वल टू M इंटू, वहाँ एसिडिटी आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस में बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन उसकी एसिडिटी। एसिडिटी क्या है, नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट्स। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ, कितना है, 1 OH आयन है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, 40 अपॉन इसकी एसिडिटी। एसिडिटी कितनी है, 1, तो ये आ जाएगा आपका 40। तो यहाँ पर वही उसी तरह से सेम रिलेशन चलेगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एसिडिटी। एक रिलेशन और है, यदि एसिड या बेस की एसिडिटी या बेसिसिटी 1 होगी तो उस केस में उसकी नॉर्मेलिटी और उसकी मोलैरिटी कैसी होगी, बिल्कुल सेम होगी। जैसे अगर मैं HCl की बात करूं, HCl का अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है तो वही सॉल्यूशन कितना होगा आपका, 1 नॉर्मल भी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है।